मेरे साथ मिश्रुही मौजूद है। वालेकुम सलाम टोटो, कैसी हो? मैं ठीक ठाक खैरियत से। पता है मुझे ना ये दिन बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लग रही है। गोल 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 मारते रहो। मीस हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम बताएंगे। बिल्कुल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके अलावा घंटी बजाओ, घंटी बजाई और कमेंट्स भी करने हैं। क्या करेंगी? क्या करूंगी? आई आज फिर पिटाई होगी, झाड़ू का तिनका। आज फिर टोटो की पिटाई। टोटो ने बड़ा ही तंग किया हुआ, इतनी बातें करती है। मैंने सोचा टन 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 इसकी पिटाई कर ली जाए। अच्छा चलो टोटो, बताओ क्या बनाना है आज? हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। काफी टाइम हो गया फ्लावर नहीं बनाए। एक बताया था ब्रश कटिंग के साथ, आज मैं आपको एक और बनाना बताती हूँ। फिर आप उसको बनाकर आप डेकोरेट कर सकते हैं, कहीं भी पॉट में लगा सकते हैं, कहीं भी, या किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? और सिंपल फॉर्मिक शीट चाहिए, जिस कलर में आप बनाना चाहें वो ले लें। और एक हमें ब्लैक चाहिए होगी शीट। ठीक है? और उसके अलावा टोटो की पिटाई करने के लिए झाड़ू के तिनके, मोटी वाली। अच्छा, इसके लिए वायर वैसे यूज होती है, लेकिन मैं इसलिए झाड़ू के तिनके पे भी बता रही हूँ कि वायर हर बच्चे के पास नहीं भी होती है, घर में नहीं होती। तो झाड़ू तो हर घर में है ना, तो आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगी। इसके अलावा देखो टोटो, ये वायर है, हाथ लगाओ देखो। हाँ ये वायर है और हाँ हार्ड है ना, तो वायर पर बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको झाड़ू के तिनके पे बता रही हूँ। आपके पास अगर वायर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर बनाइए। और ये हमने इसे फ्लोरल टेप से रैप कर लिया। ठीक है? वो अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका झाड़ू का जो तिनका है इसको मैं इसे रैप, ताकि ये आसान है, पहले भी बताया था, लेकिन चले एक दफा और, ताकि जो नए देखने वाले उनको भी हो पता चल जाए। देखिए यहाँ से शुरू किया और इसे ट्विस्ट करते जा रहे। मजा आ रहा है? वैसे एक मैंने करके रखा हुआ है, अगर टोटो ने गलत भी कर दिया तो ये हुआ। गलत किया तो इसके मैंने बनाए थे। बिल्कुल, और इससे नहीं करूंगी, फिर वायर वाले से करूंगी। आई सही, वो तो मुझे लगेगी। अच्छा हाँ टोटो, आप ये करें। ठीक है? और उतनी देर मैं बता देती हूँ, इसकी जो फ्लावर बनाना है उसकी बेस हमें जो चाहिए, एक हमें इस साइज में ही, इससे बड़ा भी आप रख सकते हैं साइज, ब्लैक कलर का। ठीक है? इसकी ब्रश कटिंग करनी है, वो बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ, आधी मैं करके ले आई हूँ, आधी और दोबारा कर देती हूँ ताकि बच्चों को आ जाए। ठीक है टोटो? ठीक है। क्या ठीक है? अच्छा टोटो तो ठीक ही रहती है, माशाल्लाह। टोटो को मजा आ रहा है गोल 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 गोल। मुझे लगता है टोटो जो है गोल गोल चक्कर अक्सर बच्चे लगाते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं। हम भी अपने बचपन में घूमते थे गोल और फिर चक्रा के बैठ जाते थे। हो गई ना टोटो? ठीक है। अब ये देखिए, ये इस तरह टोटो मैंने इसकी ब्रश कटिंग कर ली है। ये साइज आपके ऊपर है, आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है शीट को। अब मुझे टोटो इसकी एंडिंग कैसे करेंगे? एंडिंग ये ओके, एंडिंग हो गई, अब पिटाई भी होगी। चलो ये हो गया, ये एक मरहला हमारा तय हुआ। अब इसके बाद हमने ये ब्रश कटिंग कर ली, इसको ग्लू चाहिए मुझे। अभी ये हम बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम पेटल्स की तरफ आएंगे। ठीक है? ये देखने से हमने इस तरह फोल्ड करते जाना है या रोल करते जाना है। ये बहुत दफा बता चुकी हूँ आपको, ये वही ब्रश कटिंग फ्लावर है, लेकिन आज इसके साथ दूसरा बनेगा। सही है इस? अच्छा इसकी बेस जो है इतनी भी सही है, और इससे बड़ी भी आप अगर और बनाना चाहें तो एक शीट और लगा सकते हैं। ठीक है टोटो, समझ आ रही है? वो बड़ा बन जाएगा, वो भी बहुत खूबसूरत लगता।
किया। बनिए ना, अब क्या करेंगे टोटो? हाँ? बताओ। ग्रीन ग्रीन करेंगे। इसमें इकॉन लगाएंगे? नहीं, ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, देखो टोटो क्या करती है। टोटो, ये जो आपने ये बनाया ना डंडी, हाँ ये डंडी के पास में टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए, ये तो मिस लिपस्टिक हो गई। बहुत एहतियात से नीचे से निकलती भी है। बन गई ना ये फ्लावर का पोर्शन है। बिल्कुल, ये देखिए। आने बा, आने बा। ठीक है। हाँ। ये देखिए बन गया। और भी नीचे अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए ये एक मरहला तय हो गया, अब हमने इसको यहाँ रख देना है। अगर ऐसे पकड़ में तो का होगा और अगर हम ऐसे रख दे तो क्या ना सर मेरी पोनी को जाएगी। ये देखिए, वाह 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 वाह, ये सही है। ये गोल गोल घूम रहा है, ऐसे रख देते हैं, ये सही है ना। टोटो के साथ तो ऐसे ही करना चाहिए। ये लो फ्लावर। अच्छा देखो, इसमें एक स्टेंसिल होगा। टोटो मेरे बड़ी हेल्प करती है। नहीं ये वाला नहीं। हाँ देखो एक और होगा। देखिए ये पेटल इस साइज का काटना है आपको, इस उसका। तो मैंने स्टेंसिल बना लिया है और मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, ये देखिए ये कटिंग, ये टोटो उड़ ना जाए उस वक्त तक इसी में रखो, क्योंकि अभी हम इनको आयरन करके भी बताएंगे। अच्छा, फिर अगर ये उड़े तो फिर तो टोटो को सही मैं नहीं उड़ा के चार उड़ गया। अच्छा पकड़ लिया। ये तो टोटो ने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी ट्रिक निकाली है। कौन चुके? ये देखिए, ये एक पेट्रोल काट लिया मैंने, एक और काट लेते हैं। ड्रॉ में करके ले आई थी। टोटो की मस्तियां नहीं खत्म होंगी। वैसे हाँ, ये यूं भी लगेगा और एक और चीज भी हो सकती है, मैं बताती हूँ। ये सींग भी लग सकते हैं। टोटो के दो सींग बना दो। ये देखें मेरे पास ना गाय की सींग है, इसमें लाइट चलती है। लाइट चलती है। अच्छा देखिए, ये दो पेटल्स मैंने काट लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये फ्लावर है तो थोड़ा मोड़ना है मुझे वैसे यूं, लेकिन ये है आयरन के बगैर ये नहीं मुड़ेगा। तो आयरन करके बताती हूँ आपको, वैसे बता चुकी हूँ एक दफा पहले भी, लेकिन एक और देखने के पेटल पे कैसे किया जाता है। अच्छा, अब मिश्रा इस्त्री करेंगे, यानी आयरन करेंगे। टोटो के कपड़े नहीं, पेटल। देखिए इस्त्री गर्म हो चुकी है। अब ये पेटल जो काटा था, अब देखिए जरा, सिर्फ मैंने रखा और उठा लिया। ये देखिए ये शेप है, हाथ से मैंने पीछे की तरफ करना है। ये देखिए, ये यूं होना चाहिए, ये शेप देखो टोटो, दिखाओ। ये देखिए, ये ऐसे करके ये देखिए। अब देखिए, नहीं ज्यादा भी नहीं, बस सही हल्का सा, हाँ, हल्का सा, हल्का सा कर्व आना चाहिए। अब ये देखिए दोबारा करके बता रही हूँ, एक ये रखा और ये देखिए टर्न हो गया। ठीक है, हमारा आयरन का काम खत्म। ये फॉर्मिक में इसकी जरूरत पड़ती है आयरन की, लेकिन बच्चे बहुत एहतियात के साथ। ठीक है। अच्छा टोटो, देखिए ये हम बना चुके, बेस बन गई। अब हमने ये पेटल्स हमने बना लिए थे बहुत सारे, इनको आयरन करके टर्न कर दिया था। अच्छा अब हम इसके लीव्स बनाएंगे। ये देखिए ये शेप में बनेगा। ठीक, इसकी मैंने इस जैसे जैसे ड्रॉ कर लिया था स्टेंसिल लेके, एक और काट लेती हूँ। ये देखिए ड्रॉ किया था और इस तरह मैंने इसको काट लिया, क्योंकि हमें दो ही चाहिए थे। काट करते हैं अपना फूल। देखिए यहाँ लगाएंगे हम ग्लू, और अगर टोटो लगा लगा के देती जाए तो बहुत अच्छी बात है।
इसको बाहर की तरफ रखना। हाँ बाहर की तरफ और इधर यहाँ लगेगा और मैं लगाती जाती हूँ। थैंक यू टोटो। टोटो थोड़ी सी इधर लगाना बस। ज्यादा कंजूसी कर दी। कोई बात इसको जरा थोड़ा टाइम लगता है, इसको जरा सा हाथ से प्रेस कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। साथ ये देखिए ये देखिए एक लेयर हमने इस तरह लगाई है, ये हो गया। उसके बाद दूसरी लेयर, अब जहाँ जहाँ ओवरल करके हमें लगाना है, जहाँ जहाँ हमें जगह खाली नजर आएगी हम वहाँ वहाँ लगा देंगे। लेकिन टोटो इसका एक बात का ख्याल रखना, जब भी तुमने बनाए ना कभी तो ये देखना इसको पहले अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, इसे स्टिक हो जाने देना, ठीक है? ठीक है। एक चीज और, ये देखिए ये बन रहा है ना, अंदर की बेस जो है, जो हमने ब्रश कटिंग की है, अगर हमने बड़ी बनानी है तो चौड़ी पट्टी रखेंगे तो ये फिर और खिलावा ज्यादा बनेगा। आज मैंने ये बनाया है, इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट टाइम कोई और आपको बनाकर बताऊंगी बड़े ब्रश फ्लावर के साथ। आप बनाना चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, वो और ज्यादा बड़ा खिला हुआ बनेगा। देखिए टोटो मेरी हेल्प कर रही है तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है क्योंकि इसमें हाँ स्टिक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़े से रह गए ना तो मैं ठीक है, ये लग रहा है बस एक ही रह गया। वो भी उड़ा दिया चुक्कू पे क्या उड़ा दिया। चलो एक हमारा लास्ट का रह गया, तो यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाना बस। इसके बाद हम इसके लिए बताते हैं। देखें इस तरह के बहुत सारे बनाकर आप कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं, फ्लावर वॉल्स जो है उसमें आप लगा सकते हैं, नहीं तो टोटो की पोनी में लगा सकते हैं। कान के पास कान करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है। या दो बना के इस पोनी में इस पोनी में। अच्छा देखिए ये जो लीव्स हमने बनाए थे टोटो, देख रहे हो अब इसका लगाने का तरीका क्या होगा? ये गुड आराम से ये करना है और हमें यहाँ तक ले आना है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा ये बाहर निकल आया है इसका, तो अब लगाएंगे हम यहाँ पे दूसरा, फिर दोबारा ऐसे देखा टोटो। अब हम दोबारा इसे दोबारा ग्लू लगाएंगे इसमें इस तरह इसमें, ठीक है? और ग्लू लगाने के बाद हम इसको पहले तो इसके साथ हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक ये है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने प्रोग्राम्स में हम दिखाते रहेंगे। क्यों टोटो? हाँ एक तो ये है, इसके अलावा भी और बनते हैं, आप बहुत सारे बनाकर या रंग बिरंगे मुख्तलिफ किस्म के और आप सजा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बस थोड़ी देर इसको जरा टाइम लगता है कि चिपक जाए, इसको साइड से भी दिखा दो ऐसे करके, ऐसे करके हाँ ये ज्यादा हाँ थोड़ा सा नीचे करो इसको हाँ ताकि हाँ अब सामने से बड़ा नजर आ रहा है ना तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा अब इसके साथ ही जो हम बना कर लाए थे वो भी दिखा दो ताकि जो है मैजिक मैजिक अब आप देखिए मैजिक मैजिक
कलर्स आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मिस ने आपको इतनी अच्छे फ्लावर्स बनाना बता दिए, अब आप इसको ट्राई कीजिएगा। हमारा सिग्निंग अच्छा लगता है ना, तो लाइक करें और उसके साथ साथ कमेंट भी करें। मिस बन जाए, बिल्कुल जाए, ताकि दोबारा आए वापस। अब मिस रूही को और टोटो को इजाजत दें, हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।